चलो लास्ट क्लास में आप लोग रूल्स को पढ़ चुके हो, आप लोग को कुछ कुछ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको तक याद हो चुका होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ अननोन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने का तरीका समझना है, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एटम। तो देखो कैसे निकाल कैसे ना, ध्यान देना। तो यहाँ पे एस टू ओ से फोर मॉलिक्यूल है, उसमें देखो सल्फर के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, यानी हमको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें हम लोग फंडामेंटल रूल अप्लाई करेंगे, फंडामेंटल रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। फंडामेंटल रूल क्या बोलता है बच्चे लोग, कि सारे सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या होगा, इक्वल टू चार्ज। यहाँ चार्ज क्या है मॉलिक्यूल पे, चार्ज है जीरो, चार्ज है जीरो। आपको यही पता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है जनरली, तो होता है प्लस वन। ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का वैल्यू क्या होता है, माइनस टू। ये आपको पता है, हम लोग देख चुके हैं कि एच का प्लस वन लेना होता है और ओ का जनरली क्या होता है, माइनस टू होता है। तो दो का वैल्यू को पता है, तो इस पर हम लोग फंडामेंटल रूल अप्लाई करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो क्या होगा, टू इंटू प्लस वन, ये हो गया हाइड्रोजन का, प्लस सल्फर का एक्स हो गया, और प्लस ऑक्सीजन का क्या हो गया, तो ऑक्सीजन चार है, चार इंटू माइनस टू कर लेते हैं। ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या है, सम हो चुका है, और सम इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो, क्या होगा, जीरो होगा। अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेगा तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस सिक्स। तो यही यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, यही यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। आपके सामने सॉल्व करके दिखा दिया। सिमिलरली अगर बात करते हैं नाइट्रिक एसिड यानी एच एन ओ थ्री में बोला गया एन का फाइंड करें, एन का फाइंड करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का क्या मानना है, प्लस वन मानना है। ओ का क्या मानना हो, तो ओ का होता है माइनस टू। तो फिर से फंडामेंटल रूल अप्लाई करते हैं, एच का प्लस वन, नाइट्रोजन का हम एक्स मान लिए हैं, नाइट्रोजन को हम एक्स बोल दिए हैं, तो क्या होगा, वन प्लस एक्स, और ऑक्सीजन का क्या होता है, माइनस टू, तो थ्री इंटू माइनस टू इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा जीरो। यहाँ से एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एक्स क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा, प्लस फाइव, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना होता है। कुछ और मॉलिक्यूल को हम ट्राई करते हैं, अब देखना ध्यान से। हाँ क्या लिया हुआ, एस टू सी ओ थ्री लिया हुआ, क्या लिया हुआ है, कार्बोनिक एसिड, एस टू सी ओ थ्री। इसमें बोला है वो कार्बन पता करना है, क्या बताएं, कार्बन पता करना है, तो कार्बन का एक्स मान लेते हैं, और आपको पता है कि हाइड्रोजन का क्या मानना है, तो हाइड्रोजन का प्लस वन मान सकते हैं हम लोग, और ओके क्या मानते हैं, ओके माइनस टू मान सकते हो आप लोग, ठीक है। तो टू इंटू प्लस वन, किसका हाइड्रोजन हो गया, प्लस एक्स मतलब कार्बन, प्लस थ्री इंटू माइनस टू ऑक्सीजन, इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ऑटोमेटिक क्या होगा, सारे को ऐड कर ले, तो क्या होगा, एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस फोर हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितना निकलेगा, प्लस फोर आएगा। याद रखोगे डाइक्रोमेट आयन है सी आर टू ओ सेवन माइनस टू, इसमें बोला गया है कि क्रोमिन को फाइंड कर, क्रोमिन को फाइंड कर, क्या करेगा, क्रोमिन को आप एक्स मान ले, क्या मान ले, एक्स मान ले। इसमें अल्टीमेटली क्रोमिन का कितना एटम है, दो एटम है। आप लोग सीखे हो ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट का जो वैल्यू होता है वो एटम के लिए होता है, इन सिंगल एटम के लिए होता है। यहाँ पे जो एक्स होगा ना, वो एक क्रोमिन के लिए बोला गया, वो एक क्रोमिन का वैल्यू है। एक क्रोमिन का वैल्यू होता क्या होगा, टू इंटू एक्स कर दे, टू इंटू एक्स कर दिए, प्लस क्या होगा, प्लस यहाँ पर सेवन इंटू माइनस टू, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है, माइनस टू होता है जनरली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कितना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटम कितना आपके पास है, तो सात एटम है, तो सेवन इंटू माइनस टू कर ले, ये हो गया ऑक्सीजन के लिए वैल्यू। और इस मॉलिक्यूल में चार्ज कितना है, तो चार्ज यहाँ पे जीरो नहीं है, पे चार्ज है, चार्ज कितना बच्चे लोग, माइनस टू चार्ज है, आपको दिखेगा ये माइनस टू चार्ज है। तो यहाँ पे इसको इक्वेट किससे करोगे, तो इक्वेट करोगे माइनस टू से, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा, तो अल्टीमेटली आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक, यानी एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है, एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस सिक्स, क्या हो जाएगा, प्लस सिक्स, यानी क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है डाइक्रोमेट आयन में कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा प्लस सिक्स हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली देखोगे एक और क्वेश्चन पूछा गया आपसे नीचे में, वहां पर बोला गया सल्फेट, क्या बोला गया है, सल्फेट का निकाल, ठीक है ना, सल्फेट का निकालते हैं हम लोग। तो सल्फेट का क्या करोगे आप लोग, फिर से क्या मानोगे, तो सल्फेट को आप मान लोगे एक्स, ठीक है, सल्फेट को मानोगे आप एक्स, यानी सल्फेट में एस का निकालना होगा ना, सल्फर का, उसको एक्स मान ले, तो क्या होगा, एक्स, ऑक्सीजन चार है, तो क्या होगा, एक्स फोर इंटू माइनस टू इक्वल टू क्या होगा, चार्ज क्या है, माइनस टू है, तो माइनस टू को यहाँ डाल देते हैं,
अल्टीमेटली वो x माइनस एट इक्वल टू माइनस टू, अल्टीमेटली x इक्वल टू क्या होगा प्लस सिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस सिक्स हो जाएगा, ठीक। तो इससे सल्फर का, सल्फेट में सल्फर का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस सिक्स हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली बात करते हैं हम लोग IF7 में, IF7 में क्या होगा आपका I का निकालना है, तो I का निकाल, तो I का वैल्यू को x मान लेते हैं और साथ में क्या फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन चूंकि ज्यादा अल्टरनेटिव है देन I, तो फ्लोरीन का वैल्यू क्या होता है माइनस वन होता है, तो सेवन टू माइनस वन कर दिए, और चार्ज क्या है सिस्टम पे, सिस्टम पे चार्ज जीरो है, तो यहाँ पे इक्वल टू क्या है जीरो कर दिया गया है, तो क्या होगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस सेवन हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस सेवन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली लोग बात करते हैं ध्यान से, चलो HCl4 में बोला गया क्लोरीन का निकालना है, तो क्लोरीन का निकाल, तो क्लोरीन को x मान ले, इसको आप x मान सकते हो, मान ले x, तो हाइड्रोजन का प्लस वन, क्लोरीन का x, और ऑक्सीजन चार है तो क्या होगा फोर इंटू माइनस टू, सारे का सम क्या होगा, तो नेट चार्ज मॉलिक्यूल पे क्या जीरो है, उसे जीरो से इक्वेट कर दे, जीरो से उसको इक्वेट कर दे, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, तो यहाँ पे माइनस एट और यहाँ पे प्लस वन, तो नेट हो जाएगा माइनस सेवन, एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस सेवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस सेवन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप HCl4 का निकाल सकते हो, ठीक है। सिमिलर ध्यान दोगे H2O2, H2O2 यार H2O2 में आपको पता है कि इसमें क्या प्रोसाइड लिंकेज होता है, ऑक्सीजन किस कैसे लिंक है प्रोसाइड लिंकेज से लिंक है, तो हम आपको क्या बोले हैं कि अगर H2O2 में अगर O का आपको निकालना किसका है, O का निकालना बोला गया, ठीक है। चलो तो O का निकालना कोई दिक्कत है, O का आप X मान ले, O का आप X मान ले, तो हाइड्रोजन का क्या होता है प्लस वन होता है, दो हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा उसको दो बोल सकते हैं हम लोग, और ऑक्सीजन के लिए हम क्या मान सकते हैं टू इंटू एक्स, इसे जब सॉल्व करोगे तो टू इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन। आपके सामने हम प्रूफ कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो वैल्यू होता है वो परोक्साइड में, परोक्साइड में कितना होता है, परोक्साइड में ऑक्सीजन के लिए माइनस वन हम लेते हैं। सिमी बात कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्राइड, इसमें बोला कैल्शियम का पता कर, कैल्शियम तो ऐसा प्लस टू होता है हमको पता है, लेकिन चलो इसको निकालते हैं, तो आपको हम क्या बोले हैं कि हाइड्रोजन का जो वैल्यू होता है, हाइड्रोजन का जो वैल्यू होता है अगर मेटल रहेगा तो एच का वैल्यू को हम क्या बोले माइनस वन मानने बोले हैं, क्या बोले हैं माइनस वन मानने बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या एक्स होगा टू इंटू माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू क्या होगा प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बोला गया बी एच थ्री, बी एच थ्री में बोला गया बोरोन का क्या होगा, यार इसमें हाइड्रोजन है और आपको पता है कि हाइड्रोजन का वैल्यू इसमें माइनस वन लोगे, क्यों, क्योंकि बोरोन का जो अल्ट्रा नेगेटिविटी होता है वो क्या होता है हाइड्रोजन से कम होता है। तो आप लोग अब मैं बोला था कि उस केस में एच को क्या मानना है माइनस वन, यानी एच का माइनस वन बहुत कम जगह होता है, वो मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया था, ठीक है। यहाँ बोरोन का एक्स मान ले, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा माइनस वन होगा, तो क्या होगा थ्री इंटू माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू क्या होगा प्लस थ्री होगा। लेकिन आपको ध्यान देना है हाइड्रोजन का जनरली होता है प्लस वन और ऑक्सीजन क्या होता है जनरली क्या होता है प्लस माइनस टू होता है, तो ऑक्सीजन माइनस टू होता है और हाइड्रोजन क्या होगा प्लस वन होगा, ये आपको सोचे चलना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, ठीक है। अब ध्यान देना कुछ टिपिकल केसेस पे चलते हैं, मतलब आप अपने प्रोसेस को ईजी कैसे करोगे तो उसको भी थोड़ा सीख लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हम लिए हुए हैं कॉपर सल्फेट डॉट फाइव एच टू ओ, सी एस ओ फोर डॉट फाइव एच टू ओ, इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो इसको कॉमन नेम बोलते हैं ब्लू विट्रोल, क्या बोलते हैं बच्चे लोग, बोलते हैं ब्लू विट्रोल, ठीक है। तो इसको कॉमनली बोला जाता है ब्लू विट्रोल बोलता है, क्यों, कि उससे कलर होता है ब्लू, कलर होता है ब्लू। अब इसको बोला गया इस फिगर में हमको सल्फर का निकालना है, इस फिगर में सल्फर का निकालना है और आपको गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ कॉपर को प्लस टू मान लो, इसे बोला गया कॉपर को प्लस टू मान ले, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या किया ना, कॉपर का प्लस टू मान लिए, सल्फर के लिए हम क्या बोल दिया, तो सल्फर के लिए बोल दिया कि एक्स मान ले सल्फर का, तो सल्फर को एक्स मान लिए। फिर ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन का नंबर कितना था, चार यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन चार यहाँ पे है और पांच यहाँ पे है, तो टोटल ऑक्सीजन कितना होगा नाइन होगा, तो नाइन इंटू माइनस टू कर लिए। फिर देखो हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन कितना है, तो फाइव इंटू टेन दस, फाइव इंटू टू टेन है, तो दस टेन इंटू प्लस वन कर लिया गया, ये सारा ऑक्सीडेशन का सम हो गया, सारे ऑक्सीडेशन का सम हो गया। अब इसको क्या करें, इसको आप लोग जोड़ ले, इसको आप जोड़ ले, जोड़ेगा तो क्या होगा, इस पर चार जीरो है तो इसको जीरो से इक्वेट कर दिया गया। अब जब तुम सॉल्व करेगा तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या जाएगा, एक्स तो पूरा का जब तुम सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल अप्रोच, ये तो हो गया नॉर्मल अप्रोच। इसको हम लोग फर्दर क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ध्यान देना बोला गया हाउ टू सिंप्लीफाई द एवर प्रोसेस,
इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करें, ध्यान दोगे, आपको पता है कि H2O, H2O यानी वाटर पे कोई चार्ज है क्या? वाटर पे कोई चार्ज नहीं है, वाटर नॉर्मली जीरो है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल, तो हम लोग क्या मान सकते हैं कि हम लोग वाटर को एक सिंगल एंटिटी मान सकते हैं, वाटर को एक सिंगल एंटिटी मान सकते हैं, जिसमें वाटर का चार्ज को हम लोग जीरो बोल सकते हैं, हम लोग जीरो बोल सकते हैं। इस मॉलिक्यूल में जो अब हम सॉल्व करेंगे सल्फर के लिए, तो वाटर को एक सिंगल एंटिटी मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कॉपर का 2, सल्फर का x मान लिया गया है, ऑक्सीजन क्या है, तो यहाँ जो ऑक्सीजन है इसको हम फोकस कर रहे थे, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 4 × -2 कर दिया गया, और यहाँ पे 5 वाटर है तो वाटर पे चार्ज तो जीरो होता है, तो वाटर का नेट क्या होगा, वाटर नेट जीरो, तो 5 × 0 इक्वल टू नेट चार्ज, इक्वल टू नेट चार्ज, नेट चार्ज कितना सिस्टम पे है, तो नेट चार्ज सिस्टम पे जीरो है, इक्वेट कर दो, तो यहाँ से भी क्या आएगा, तो यहाँ से भी आएगा सेम इक्वेशन आएगा, आपका एक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस तरह से आप चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हो, इस तरह से चीजों को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आप देखो ध्यान से, तो ध्यान देना, हम लोग एक और तरीका से सोच सकते हैं, कॉपर सल्फेट एक आयनिक कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट एक आयनिक कंपाउंड है, इसको तुम पानी में छोड़ेगा तो पानी में छोड़ेगा यानी पानी में तुम इसको डालोगे तो क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, 5 वाटर अलग हो जाएगा। तो यहाँ का जो सल्फर है वो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यानी जो सल्फर का पोजिशन था यहाँ, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यार जब भी आप पानी में जब कोई आयनिक कंपाउंड ब्रेक करता है वाटर में, उसको बोलते हैं हम लोग आयनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो पानी में कोई ब्रेक करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, चलो उसको बोलेंगे हम लोग आयनाइजेशन प्रोसेस। आपको बोला क्या जा रहा है कि जब आयनाइजेशन आप करते हो ना, तो आयनाइजेशन प्रोसेस में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट डू नॉट चेंजेज, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट डू नॉट चेंजेज ड्यूरिंग आयनाइजेशन प्रोसेस। यानी पानी में जब ब्रेक करता है आयंस, जब आयंस ब्रेक करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी दोनों जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं ना, यहाँ पे तो एलिमेंट कम है तो निकालना आसान होगा। तो सल्फेट आयन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा एक्स का यानी सल्फर का, वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कॉपर सल्फेट और 5H2O में। सल्फेट में निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको एक्स मान लेते हैं, एक्स और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो क्या होगा, एक्स प्लस 4 × -2, और नेट चार्ज क्या है सिस्टम पे, तो नेट चार्ज -2 है तो -2 यहाँ डाल देते हैं, -2 डाल दिया गया, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस 6 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस 6 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका प्रोसेस। देखो हम बोल रहे किस तरह से चीजों को सोचना है, जैसे एग्जाम्पल देख, नीचे में एक कंपाउंड लिखा हुआ है, नीचे में एक और एक कंपाउंड लिखा हुआ है, कौन सा कंपाउंड होगा, चलो तो उसको बोलते हैं एलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलम बोलते हैं। आपको फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए एलम का, ध्यान देना। इस एलम कंपाउंड में बोला गया ना, इस यहाँ पे इसका निकाल यानी यहाँ पे आपको मार्क किया हुआ है, किसका निकालना हमको, तो इसका निकालना है, यहाँ पे इस सल्फर का निकालना हमको। तो हम क्या, हम अब इतना बड़ा कंपाउंड को निकालने के लिए बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन को मिनिमाइज कैसे करना है, हमको पता है कि एलम क्या होता है, एलम आयनिक कंपाउंड होता है, उस पर तुम पानी में डालेगा तो ब्रेक कर जाएगा आयंस में, तो यहाँ जो सल्फेट है तो सल्फेट अल्टीमेटली किस फॉर्म में रहेगा, तो सल्फेट आयन के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ का जो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, अगर हम यहाँ का सल्फर का निकाल लेंगे सल्फेट का, तो वही ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ भी होगा, सेम होगा। तो हम लोग को पता है कि सल्फेट में सल्फर का क्या होता है, प्लस 6 होता है, क्या होता है, प्लस 6 होता है, अभी तो निकाले थे ऊपर में हम लोग, तो यहाँ प्लस 6 होगा, तो इस कंपाउंड का यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस 6 ही होगा। तो हम लोग इस तरह से अपने कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा किया जाए उसको आपको किस तरह से मिनिमाइज करके छोटा करना है, ठीक है। तो ये चीज समझाया हुआ है कि वाइल फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट इन आयनिक कंपाउंड, वी कैन ब्रेक आयनिक कंपाउंड इनटू आयंस एंड कैन फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिजायर्ड एलिमेंट। यानी हम क्या कर सकते हैं, आयनिक कंपाउंड को आयन में ब्रेक कर देंगे, उसके बाद जिस आयन में अपना एलिमेंट गया है उस आयन में से उसका निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे यहाँ पे ये सल्फर कहाँ गया, सल्फेट आयन में गया, तो सल्फेट आयन में से सल्फर निकाल लेंगे, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी होगा, ठीक है। सिंपल तरीका से निकालना हम लोग सीखेंगे, तो इस तरह से चीजों को मिनिमाइज करना है, ठीक। ये रहेगा पहला तरीका। सेकंड ध्यान देना, सेकंड टाइप का कंपाउंड क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेसिकली आपको पढ़ना है क्लास 12th में,
आपके सामने बस इंट्रोडक्शन किया जा रहा है, आपको इंट्रोड्यूस कर दिया जा रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। तो जब भी आपके कंपाउंड में इसका ब्रैकेट रहेगा ना, इसका ब्रैकेट इन्वॉल्व, उस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पे यहाँ बोला गया इसमें आयरन का निकालना, मेरे को आयरन का निकालना है यार। पोटेशियम है, पोटेशियम को क्या बनेंगे, तो 4 × 1 आयरन का एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ देखो अंदर में सी और साइन कार्बन और एन है, साइनाइड आयन है। साइनाइड आयन में हम लोग कार्बन का वाई मान लेते हैं और नाइट्रोजन का जेड मान लेते हैं। तो अल्टीमेटली कार्बन का नंबर कितना, 6 है, और नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन भी क्या 6 है, तो 6y + 6z इक्वल टू टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना मॉलिक्यूल पे, तो मॉलिक्यूल पे आपका टोटल चार्ज आपको दिख रहा होगा कितना, 0, ये 0 दिख रहा होगा आपको, 0 कर दिया गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x प्लस 4 और प्लस 6 जेड प्लस वाई लिया गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके इक्वेशन में मोर देन वन वेरिएबल है, मोर देन वन वेरिएबल है, आपको पास x भी है, y भी है, जेड भी है। फिर वेरिएबल को मिनिमाइज कैसे किया जाए, तो आपको पता है जो साइनाइड होता है, ध्यान से, साइनाइड के पास क्या होता है, चार्ज -1 होता है। अब CN में आप कार्बन का वैल्यू को क्या माने हो, y माने हो, और N का वैल्यू को आप जेड माने हो, ठीक है। तो आपको पता है कि y plus z का सम क्या होगा, तो चार्ज होगा, चार्ज क्या CN -1 है, तो y plus z का वैल्यू क्या है, तो y plus z का वैल्यू को -1 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, -1 हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन में जो यहाँ पे y plus z है आपको, इसका मतलब क्या पुट कर सकते हो, उसका मतलब पुट कर सकते हो -1 को पुट कर सकते हो, तो -1 पुट कर दिया गया, पुट कर दिया गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, क्या आएगा, +2 आ जाएगा। हम बोले का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं ना, कि जब इसका मतलब आपको ये समझना है कि जब भी आप इस तरह का चीज सॉल्व कर रहे हो, तो आप क्या करना, हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन चेंज लिखने का जरूरत नहीं है आपको। अगर कोई आयन दिखेगा ना, आयन मतलब आप लोग जानते हो ना यार, वैलेंसी, आप लोग बहुत सारे आयन का वैलेंसी आप लोग क्लास 10 में याद किया होगा, क्लास 8 9 10 में, तो यार वहीं पे आयन का वैलेंसी अगर याद रखो तो उसको यूज कर लेना डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे आपको हमको दिख रहा है, यहाँ पे साइनाइड आयन है, CN आयन है, तो हम लोग कार्बन और नाइट्रोजन क्यों लेंगे, हम लोग डायरेक्टली साइनाइड पे चले जाएंगे, डायरेक्टली साइनाइड आयन का जो वैलेंसी है उसको अपने अपने लिए यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम का 4 है तो 4 ले लेंगे, आयरन के लिए x मान लो, तो x मान लिए, और साइनाइड कितना है, 6 है, तो 6 साइनाइड है, साइनाइड का चार्ज कितना होता है, -1, तो उसको -1 डायरेक्टली ले लेंगे, इक्वल टू 0, क्योंकि नेट चार्ज क्या है सिस्टम पे, 0, तो डायरेक्टली आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। इस तरह से चीजों को मिनिमाइज करना आना चाहिए, इस तरह चीजों को मिनिमाइज करने आना चाहिए, ठीक। तो ध्यान देना, तो ये चीज समझाया हुआ आपको कि अगर अगर आपके पास पॉलीटोमिक, अगर आपके पास सम पॉलीटोमिक आयन अगर इन्वॉल्व होगा प्रोसेस में, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे साइनाइड आयन है, कार्बोनेट आयन है, SCN आयन है, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली उसका चार्ज को यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो डायरेक्टली उसका चार्ज का यूज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट यानी एटम को छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, उसके डायरेक्टली चार्ज को यूज कर लेंगे फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर एलिमेंट। इन किसी और एलिमेंट का ऑक्सीडेशन निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम लोग किसका निकाल रहे थे, हम एफ का निकाल रहे थे, तो हम CN का डायरेक्टली पूरा CN का जो चार्ज होता है ना, -1 को डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझाया गया है, ये चीज आपको समझाया गया है। सिमिलरली आप देखोगे तो ध्यान देना, जैसे यहाँ बात करा, ध्यान देना K3 एफिशिएंसी लिखा हुआ है। अब इसमें बोला गया कि हमको आयरन का निकाल ऑक्सीडेशन से, तो आयरन का कैसे निकालेंगे, आयरन का एक्स मान ले, पोटेशियम के लिए क्या +1 होता था, तो क्या हो 3 × +1, SCN का चार्ज क्या होता था, आपको पता है SCN का चार्ज क्या होता है, -1 होता है, डायरेक्टली क्या करना 6 × -1 कर ले, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 0। यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x = -3, इसका मतलब क्या होगा, आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आयरन का स्टेट क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ पे एक और लिया हुआ है, क्रोमियम Na3+6, बाहर में Cl3 है, और यहाँ पे उनको क्रोमियम को निकालना है, ठीक है। आपको पता है कि क्लोरीन का चार्ज क्या होता है, -1 होता है, और अमोनिया पर चार्ज क्या होता है, 0 होता है, तो डायरेक्टली हम चार्ज को यूज कर लेते हैं, तो क्रोमियम का वैल्यू को एक्स मान ले, 6 × 0, क्योंकि अमोनिया का चार्ज 0 होता है, +3 × -1, क्यों, क्लोरीन है। अल्टीमेटली सॉल्व करें तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका, आ जाएगा +3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा यहाँ तक मेरे, चलो इसमें ध्यान देना, एक और चीज देखना आप,
इस क्वेश्चन में यहाँ पे कंपाउंड लिखा हुआ है, इसमें कोबाल्ट का पूछा गया ऑक्सीडेटेड। यहाँ देखो जो जो यहाँ पे स्पीसीज यूज है उसको मैं नीचे उसका वैलेंसी लिख दिया है। तो अमोनिया पे चार्ज जीरो होता है, पोटेशियम का प्लस वन होता है, सल्फेट का माइनस टू होता है, क्लोरीन ब्रोमीन और साइनाइड के का माइनस वन होगा। तो डायरेक्टली इसको लेके इन सब के पूरे के चार्ज को बस ले लिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस थ्री आ जाएगा। क्या होगा, प्लस थ्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच से इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों लोग आप लोग ऑक्सीडेशन शीट निकालना सीख गए कैसे, मैथमेटिकल तरीका से। अब क्या होता है, मैथमेटिकल तरीका का कुछ ड्रॉबैक्स होता है, तो ड्रॉबैक जाना जरूरी है कि मैथमेटिकल अप्रोच का ड्रॉबैक क्या क्या है। तो होता क्या है, आप लोग को हम समझा चुके हैं कि आपका ऑक्सीडेशन शीट का वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रल होता है। आपका ऑक्सीडेशन शीट का वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रल होता है। मतलब ऑक्सीडेशन शीट हमेशा क्या होगा, इंटीजर के फॉर्म में रहता है। लेकिन होता क्या है, आप मैथमेटिकल अप्रोच फॉलो करोगे तो आप सम टाइम आपका ऑक्सीडेशन शीट फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो हम लोग क्या सीखे हैं, चैप्टर के बिगनिंग में मैं बोला था कि आपको ऑक्सीडेशन शीट का वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रल होना चाहिए। तो फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन शीट आखिर क्यों आता है, तो उसको ध्यान देना। तो ध्यान देना, जब मैथमेटिकल अप्रोच को हम अगर फॉलो करते हैं ना, तो हम लोग बेसिकली एवरेज वैल्यू, यानी जो एवरेज वैल्यू है उसको हम निकालते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आपका जिस एटम का आप निकाल रहे हो उसका नंबर अगर मोर देन वन हो, जैसे मान लेते हैं हम सल्फर का निकाल रहे हैं और सल्फर का नंबर अगर एक से ज्यादा हो, क्या हो, एक से ज्यादा हो, तो उस केस में होता क्या है, उस केस में आप क्या करते हो, आप एवरेज वैल्यू निकालते हो। आप क्या निकालते हो, एवरेज वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल देखोगे, यहाँ पे H2SO4O6 है, H2S4O6 है, यहाँ पे सल्फर को अंडरलाइन किया गया, मतलब हमको सल्फर को निकालने बोला गया। यहाँ पे सल्फर का नंबर कितना, चार है, क्या है, चार है, ठीक है ना। तो हम लोग मैथमेटिकल तरीके में क्या करते हैं, मैथमेटिकल तरीके हम लोग क्या करते हैं, उसको हम एक्स मान लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं, यानी हम सल्फर को क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक। तो सल्फर को जब एक्स मानेंगे तो आप निकालोगे क्या, वही है हाइड्रोजन का प्लस वन, तो टू इंटू प्लस वन। सल्फर के लिए क्या है, चार है, तो क्या होगा, फोर इंटू एक्स। प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या होगा, छः, तो सिक्स इंटू माइनस टू हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, फोर एक्स इक्वल टू क्या है, टेन। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन बाई फोर, यानी क्या होगा, 2.5 आ जाएगा। यहाँ पे आप अगर आपसे पूछा जाएगा, तो आप मैथमेटिकल अप्रोच पढ़े होंगे, तो आप क्या बोलोगे, यार इसमें तो इसका 2.5 हो जाएगा, यानी ये जो वैल्यू बता रहे हो, फ्रैक्शन बता रहे हो, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन आखिर आया क्यों, तो ध्यान देना, यहाँ जो चार सल्फर होता है ना, चार सल्फर का वैल्यू अगर हम बोल रहे हैं, तो इसमें से एक सल्फर होता है प्लस फाइव स्टेट में, दूसरा सल्फर होता है जीरो स्टेट में, और तीसरा भी होता है जीरो में, और चौथा होता है प्लस फाइव में। यानी चार सल्फर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा रहता है, यानी दो का प्लस फाइव होता है और दो का जीरो होता है। हम लोग उसको निकालना सीखेंगे फ्यूचर में, बट हम बता रहे हैं कि ये ऐसा होता है। बट आप यहाँ पे निकाले कितना, आप 2.5 निकालो, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि इन चारों का अगर आप एवरेज निकालते हो ना, इन चारों का अगर एवरेज निकालोगे, प्लस फाइव जीरो जीरो प्लस फाइव, तो क्या होगा, एवरेज का निकालो आप, ऊपर में कितना आया, 10, और नीचे में क्या आया, 4, यानी क्या आया, 2.5 हो जाएगा। बेसिकली आप यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू को आप एज्यूम कर लो, एक्स, उसको आप निकाल रहे हो, इसलिए आपका ऐसा आता है, फ्रैक्शन आता है। अगर आप चारों का अगर सल्फर का इंडिविजुअली निकालोगे, तो आपका वैल्यू अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे H2SO4O6 में आपके पास चार सल्फर है, चार सल्फर में से दो का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव होता है और दो का जीरो होता है, इसको आपको याद रखना है, कभी कभी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे कोई ऐसा पूछेगा, तो आपको ऐसा, अगर 2.5 अगर ये नहीं दिया हुआ है तो 2.5 को टिक करना, लेकिन अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो इसी को आप टिक करोगे, यही आपका सही होगा, ठीक है। सिमरन ध्यान देना, बात करें Fe3O4, तो Fe3O4 में जब आप निकालोगे Fe का ना, आप निकालोगे किसका, Fe का, तो ध्यान देना, अगर आप Fe का निकाल रहे हो, तो Fe में अगर x मान दे, तो क्या हो, 3x मान लेते हैं, और चार ऑक्सीजन कितना, चार है, तो 4 × -2 कर लेगा, इक्वल टू क्या हो, जीरो। यहाँ से x का वैल्यू कितना निकला, तो x का वैल्यू निकलेगा 8/3, तो यहाँ फिर से फ्रैक्शन आ रहा है। तो यहाँ से फिर से फ्रैक्शन आने का लॉजिक क्या होता है, तो ध्यान देना, जो Fe3O4 होता है, एक कोई कंपाउंड नहीं होता है, एक कोई कंपाउंड नहीं होता है, ये बेसिकली एक मिक्स ऑक्साइड है। कैसा है, इस Fe3O4 में FeO का एक मॉलिक्यूल होता है और Fe2O3 का एक मॉलिक्यूल होता है। इन दोनों को तुम जोड़ लेगा तो बन जाएगा Fe3O4, यानी इसमें FeO का एक पार्टिकल होता है और Fe2O3 का एक पार्टिकल होता है। इस FeO में आयरन का ऑक्सीडेशन कितना होगा, तो ये होगा प्लस टू, यानी इसमें आयरन एक है, उसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, प्लस टू होगा, ठीक। और Fe2O3 में
अब देखोगे तो इसमें दो आयरन है, दोनों का एसिड क्या होगा, प्लस थ्री होगा, क्या होगा, प्लस थ्री होगा। तो यहाँ पे तो ऐसा होता है, आपसे कोई पूछेगा कि एफ थ्री ओ फोर में ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का क्या, तुम बोलोगे एक आयरन प्लस टू स्टेट में है और दो आयरन प्लस थ्री स्टेट में है, आपका आंसर ऐसा होना चाहिए, ना कि आप एट बाई थ्री बोल दोगे। ठीक है, अब एट बाई थ्री क्यों आ रहा है, तो आप इनका एवरेज निकाल, इनका आप एवरेज निकाल, तो एक आयरन का प्लस टू और दो आयरन का प्लस थ्री, तो दो आयरन का प्लस, तो प्लस टू प्लस थ्री, दो प्लस थ्री दो बार आएगा, तो क्या होगा नेट, क्या होगा, एट हो गया, एट आ चुका है, एट आ चुका है, प्लस क्या, कितना आयरन का पार्टिकल है, तीन, एट बाई थ्री हो जाएगा, क्या होगा, एट बाई थ्री हो जाएगा। तो इसका लॉजिक ये है। सिमिलरली बात करते हैं Pb3O4, तो Pb3O4 में भी आप निकालोगे लेड का, तो अगर Pb का बोला जाएगा तो Pb का ऑक्सीडेशन रेट फिर से कितना आ जाएगा, फिर से आ जाएगा आपका 8 बाई थ्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 बाई थ्री फिर से आ जाएगा। इसमें होता क्या है कि Pb3O4 को कंपाउंड नहीं होता है, ये भी एक मिक्स ऑक्साइड है। इसमें होता क्या है कि PbO का दो मॉलिक्यूल होता है, PbO का दो मॉलिक्यूल होता है और PbO2 का एक मॉलिक्यूल होता है। इसको आप मिला लोगे, इसको आप ऐड कर दोगे ना, तो आपका बन जाएगा Pb3O4, इसको आप ऐड कर दोगे तो बन जाएगा आपका Pb3O4 बन जाएगा। ठीक, इसमें अगर बात कर रहे हैं तो यार देखो यहाँ पे इसमें दो PbO है और एक PbO2 है, तो PbO2 में अगर आप Pb का निकालेगा x मान के तो प्लस फोर आ जाएगा, और PbO में x मान के Pb का निकाल तो प्लस टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस टू आ जाएगा। यानी Pb3O4 में दो लेड होगा प्लस टू स्टेट में और एक लेड होगा प्लस फोर स्टेट में। ठीक है, आप अगर इसका एवरेज भी निकालेगा तो दो प्लस टू दो बार आएगा, प्लस फोर एक बार आएगा, तो ऊपर में क्या हो गया, आठ हो गया, अब बाई थ्री क्या होगा, एट बाई थ्री, क्या होगा, एट बाई थ्री। ठीक है, तो ए आपको कर लेना है। ठीक है, अब ध्यान देना, जैसे मान लेते हैं सी एच थ्री सी ओ एच है, तो अगर आप यहाँ पे बोलेंगे कार्बन का निकालना है हमको, कार्बन का निकालना है, आप क्या कर रहे हो, कार्बन का एक्स मान लोगे, तो कार्बन का एक्स मान तो क्या, दो बार कार्बन तो क्या, टू एस लिख दोगे, और हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन चार है, तो क्या होगा, फोर इंटू प्लस वन कर दोगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो है, टू इंटू माइनस टू कर दोगे, ये सारे का क्या इक्वल टू जीरो होगा। तो जब सॉल्व करो तो क्या होगा, तो ये प्लस फोर है, माइनस फोर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, दोनों का सम क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा, टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन जीरो आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है ना, एक्चुअली में इस कार्बन का वैल्यू होता है माइनस टू, यानी इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है माइनस टू और इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है प्लस टू। तो आप क्या किए हो, आप एवरेज निकाले हो, आप एवरेज निकाले हो, यानी आप जब मैथमेटिकल अप्रोच फॉलो करते हो तो आप बेसिकली एवरेज वैल्यू को बता रहे हो, लेकिन एवरेज वैल्यू क्या हो, सही नहीं है, मतलब इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, यहाँ वाला जो कार्बन का होता है तो उसका माइनस टू होता है और यहाँ वाले कार्बन का होता है प्लस टू होता है। ठीक है, तो आपका ऐसा होना चाहिए था, लेकिन आप जो अप्रोच फॉलो करते हो ना, जो मैथमेटिक्स वाला, उसमें एक्स मान के सॉल्व करोगे तो आप यहाँ पे जीरो बताओगे, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि आप अल्टीमेटली हमको बता क्या रहे हो, हमको आप एवरेज बता रहे हो। ठीक, अब इसका हम लोग एक्चुअली सॉल्व कैसे करें उसको हम सीखेंगे, तो अभी आपको मैं ड्रॉबैक पर समझा रहा हूँ कि ये ड्रॉबैक हो रहा है हम लोग के साथ। ठीक है, समटाइम क्या होता है, तो समटाइम सेकेंड ड्रॉबैक क्या है कि आपका जो मैथमेटिकल ऑक्सीडेशन आप निकालोगे ना, वो बड़ा हो जाएगा, मतलब जितना पॉसिबल वैल्यू उससे भी ज्यादा लार्ज हो जाता है। जैसे मान लेते हैं H2SO5 में आप सल्फर का निकाल, तो सल्फर निकालोगे मैथमेटिकल तो आ जाएगा प्लस एट, जो कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है, ये इम्पॉसिबल इसलिए है बच्चों, क्योंकि सल्फर का जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल हो सकता है वो होता है प्लस सिक्स, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो सल्फर प्लस एट कैसे दिखाएगा। सिमिलरली H2SO6 में आप निकालोगे मैथमेटिकली तो आपका वैल्यू आ जाएगा प्लस टेन आ जाएगा, फिर से इम्पॉसिबल है क्योंकि सल्फर प्लस सिक्स से ज्यादा नहीं हो सकता है। सिमिलरली बात करो क्रोमियम का, तो क्रोमियम का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है प्लस सिक्स होता है, क्या होता है, प्लस सिक्स, तो क्रोमियम का कितना होगा वैल्यू मैक्सिमम, प्लस सिक्स होता है। ठीक, तो यार आप CrO5 में अगर क्रोमियम को निकालोगे ना तो आएगा वो प्लस टेन आ जाएगा, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्रोमियम का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होता है क्या होता है, चलो मैक्सिमम होता है प्लस सिक्स पॉसिबल है, उसे आगे शो नहीं कर पाएगा क्रोमियम, तो प्लस टेन कैसे आ जा रहा है। सिमिलरली बात करते हम लोग CrO6 का, तो CrO6 में देखोगे तो आप मैथमेटिकली निकालोगे तो क्या होगा, तो मैथमेटिकली आप निकालने पे आपका आ जाएगा प्लस ट्वेल्व, जो कि फिर से इम्पॉसिबल है, फिर से इम्पॉसिबल है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ये बोला गया है, नीचे आपको समझाया गया है। ठीक है, तो
ये ऑल जितना भी ड्रॉबैक हो रहा है यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी ऑक्सीजन है उन सारे का ऑक्सीडेटर माइनस टू मान ले रहे हैं, यहीं पे गलती करते रहे। इन सारे फिगर में हम सारे ओ एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस टू मार रहे हैं, यही यहाँ पे यही ड्रॉबैक है, ठीक है। क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर में पेरोक्साइड लिंकेज होता है, यानी सारा ओ जो है उसमें से कुछ ऑक्सीजन एटम पेरोक्साइड लिंक पर रहता है, और हमको पता है कि जो ऑक्सीजन एटम पेरोक्साइड लिंक पर रहेगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को हमको मानना होता है माइनस वन। क्या मानना होता है? माइनस वन, ठीक है। तो ये आपको सोचना है, तो सम ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें से ओ का माइनस वन होगा, उसको मानेंगे कैसे, मानना हम लोग को, ठीक है।